अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कमर्शियल प्लॉट के हवाले से कि बहरिया टाउन कराची में कमर्शियल प्लॉट किन साइजेस में अवेलेबल है, क्या लोकेशन है और आने वाले वक्तों में कितना आरओआई उन कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट करके हम जनरेट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट आती किन लोगों की तरफ से। या तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा इन्वेस्टर्स करते हैं या बिल्डर्स करते हैं। एंड यूजर्स को हम इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एंड यूजर्स ज्यादातर प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म मंसूबा होता है। इन्वेस्टर्स कमर्शियल प्लॉट्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छी प्राइस एप्रिसिएशन दिख रही होती है और एक अच्छा आरओआई वो कम वक्त में लेके बाहर आ सकते हैं। जबकि यहाँ पे बिल्डर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं कि उन्हें वहाँ पे प्रोजेक्ट अपना कंस्ट्रक्ट करना होता है, फिर प्रॉपर डिलीवर करके वो उस प्रोजेक्ट से अपना ऑन जनरेट करके बाहर आना चाह रहे होते हैं। अब ये तो मैंने आपको ब्रीफिंग दी कि कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हमें किन लोगों की तरफ से मौसूल हो रही होती है। इस वीडियो में बात करेंगे हम कमर्शियल साइजेस के हवाले से। बहरिया में आपको मुख्तलिफ कमर्शियल एरियाज में मुख्तलिफ साइजेस के कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 133 है, 266 है, 500, 1000 और 1000 से ज्यादा के कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ कमर्शियल एरियाज में, जिसमें मिडवे भी आता है, अली ब्लॉक कमर्शियल आता है, 10A कमर्शियल, 11A कमर्शियल, हॉस्पिटल कमर्शियल, जिन पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम छोटे कमर्शियल प्लॉट से शुरू करते हैं। 133 कमर्शियल में भी आपको दो डिविजन्स मिलती हैं जिसमें मिडवे ए और मिडवे बी आता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम मिडवे ए कमर्शियल को। अब ये कमर्शियल एरिया ऐसा है जो मेन गेट से भी करीब है और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये जो है मेन गेट से इजीली एक्सेसिबल है, मिडवे बी के करीब है। यहाँ पे अभी जो है सिंगल लेन के कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मौजूद हैं मिडवे बी के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे अभी इन्वेस्टर्स ने ज्यादा तादाद में इन्वेस्ट नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ पे एक अच्छा कमर्शियल प्लॉट 5 से 6 करोड़ के ब्रैकेट में मिल जाता है। अब बात करेंगे हम मिडवे कमर्शियल बी के प्लॉट के हवाले से। मिडवे कमर्शियल बी के अगर आप शेप देख रहे होंगे, जो कि हमारी स्क्रीन पे ड्रोन इमेज के थ्रू आपको विजिबल हो रही होगी कि ये राउंड शेप में मिडवे कमर्शियल बी का एरिया है, जहां पे पास्ट 2 इयर्स में अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट देखी गई है। इन्वेस्टर्स ने बड़ी तादाद में इन्वेस्ट करके यहाँ पे अपना गेन निकाला है। इसके अलावा यहाँ पे ग्राउंड प्लस 6 का अप्रूवल है। यहाँ पे आपको सारी बड़ी ब्रांड्स फूड चेन्स ऑपरेशनल मिलेंगी। लोग अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करूँ तो मिडवे कमर्शियल बी को तरजीह इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑपरेशनल प्रीसेंट है और सबसे ज्यादा डिमांडेड है, इजी एक्सेसिबल है। यहाँ पे आपको एक अच्छा कमर्शियल प्लॉट जो है 7 से 8 करोड़ के बजट में मिल जाता है और इसके लिए प्राइसेस आने वाले वक्तों में इंक्रीज ही होंगी क्योंकि बहरिया की मार्केट कभी नहीं गिरती। इसके बाद बात करेंगे बहरिया के वो कमर्शियल एरिया की जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग भी है और वहां पे आपकी मार्केट ऑलरेडी मौजूद है, 10A कमर्शियल। ये बहरिया का वो कमर्शियल एरिया है जहां पे आपको अपनी मार्केट नियर बाय लोकेशन में मिल रही, क्योंकि 10A विलाज इसके करीब ही मौजूद है। यहाँ पे प्लॉट साइज 125 से लेके 200 स्क्वायर यार्ड में अवेलेबल है और यहाँ भी आपको ग्राउंड प्लस 6 की अप्रूवल है, लेकिन यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल तामीर नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ ऑफिसेस की परमिशन है। प्राइसेस की बात करूं तो वो आपको 1.5 से लेके 4 करोड़ के ब्रैकेट में यहाँ पे एक अच्छा कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। जी नाज़रीन, हमने आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन फराहम की बहरिया टाउन कराची के उन कमर्शियल प्लॉट्स में जहाँ इस वक्त सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर आप बहरिया टाउन कराची में कोई कमर्शियल प्लॉट में सरमायाकारी करना चाह रहे हैं या फिर कम वक्तों में एक अच्छा आरओआई जनरेट करके बाहर आना चाह रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता करें, हम आपको एक अच्छी सरमायाकारी के हवाले से इन्फॉर्मेशन फराहम करें।